सभी भाइयों को नेकराज का सलाम। नेकराज बोल रहा हूँ। नेकराज इस बार बैटिंग से रिलेटेड नहीं बल्कि ड्रीम इलेवन। जी हाँ, जो लोग ड्रीम इलेवन खेलते हैं, काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर कोई ड्रीम इलेवन की भी टिप्स दीजिए, जैसे आप बैटिंग की टिप्स देते हैं वैसे ही ड्रीम इलेवन की टिप्स दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ खास लेके आया हूँ। ड्रीम इलेवन में आप डेली 1000 से लेके 10000 तक कैसे जीत सकते हैं, वो सब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा विद थ्रू। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो में कोई भी इधर उधर की बात नहीं करूंगा। मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए या लाइक कर दीजिए, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। मैं आपसे अपना कुछ नहीं चाहूंगा, बस आप ये वीडियो देखिए। यदि आप ड्रीम इलेवन पे खेलते हैं या आपका कोई भाई दोस्त ड्रीम इलेवन पे खेलता है, तो सिर्फ उस बंदे तक इस वीडियो को भेजिए। इस वीडियो में ड्रीम इलेवन की कुछ ऐसे राज बताने आ रहा हूँ जो पूरे यूट्यूब को तो छोड़ दो और पूरे इंटरनेट पे नहीं है, पूरे इंटरनेट पे कहीं भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये तो इस तरह की कोई टीम है। खैर, एक और बात की जस्ट इन केस आप ड्रीम इलेवन के अलावा भी किसी भी तरह का क्रिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बैटिंग टिप्स लेना चाहते हैं जस्ट फॉर फ्री, तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वो एकदम फ्री है। ठीक है, वो सब फालतू की बातें रही, मतलब इधर उधर की। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ड्रीम इलेवन में हार हार कर परेशान हो चुके हैं, जो ग्रैंड लीग ज्वाइन करते हैं बट नहीं जीत पाते हैं, जो स्मॉल लीग भी ज्वाइन करके देख ली लेकिन नहीं जीत पाते हैं, ओवरऑल लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस कर बैठे हैं, ड्रीम इलेवन को अपना सारा पैसा दे चुके हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप लोग जो भी इधर उधर के काम कर रहे हैं उन सभी को छोड़ के जस्ट इधर फोकस कीजिए, इस वीडियो को फुल मोड में देखिए और मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपके पास ईयरफोन है तो ईयरफोन लगा के सुनिए इस वीडियो को। तो पहला टिप्स है कि प्ले लेस प्लेयर लीग, मतलब कम से कम जो छोटी लीग होती है उनको खेलो। इसका मतलब है कि जैसे जितने कम लोग होंगे उतने आपके जीतने के चांस बढ़ जाएंगे, मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है जिसे मैथ में होती है प्रोबेबिलिटी, यानी कि जीतने के चांस, आपके जीतने के चांस जब ज़्यादा होंगे जब आप कम से कम प्लेयर के अगेंस्ट खेलोगे। तो ये बहुत बेसिक सा रूल है। जैसे 6 और 7 नंबर, ये टिप सबसे अहम होंगी, ये जो ट्रिक्स होंगी ये सबसे अहम होंगी 6वें और 7वें नंबर की, क्योंकि 5 नंबर तक आपको मैं सिर्फ बेसिक ही दूंगा और आपका जो बेसिक है उसको मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो 5 नंबर तक आपको ज़्यादा कुछ एडवांस में नहीं मिलेगा, लेकिन 6 और 7 नंबर वो बहुत ज़्यादा एडवांस होने जा रहे हैं। तो वीडियो को अभी मैं बहुत फास्ट मोड में चला रहा हूँ, आपको फास्ट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड है कि आपको हर मैच नहीं खेलना, जिस मैच में आपको नॉलेज है उसी मैच में खेलना। यदि आप बिग बैश के अच्छे खिलाड़ी हैं तो सिर्फ और सिर्फ बिग बैश के ही हर मैच खेलने, और किसी का भी इंटरनेशनल बीच में जो भी पड़े उन सभी को नहीं खेलना। जैसे कि मैं हूँ, जैसे कि हम लोग हैं एक्सपर्ट फ्री टिप्स पर, केवल बिग बैश को चला रहे हैं और कोई टीम नहीं चला रहे और कोई भी लीग वगैरह कुछ नहीं चला रहे, सिर्फ बिग बैश, ओनली बिग बैश। जब तक बिग बैश का फाइनल नहीं हो जाता तब तक हम बिग बैश ही चलाएंगे, बिग बैश ही खेलेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक लीग के अंदर फोकस रहता है, और जब फोकस और आपका नॉलेज एक साथ मिल जाता है तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलनी होती है। तो आपका फोकस और नॉलेज दोनों चीज़ चाहिए। पहले आप फोकस कीजिए, नॉलेज कैसे बढ़ानी है वो मैं बताता हूँ इस वीडियो में। और इसके बाद जो है, जैसे टीम सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ ऑलराउंडर का ऑप्शन आता है, आप मैक्सिमम एक, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 3 ऑलराउंडर आपको सेलेक्ट करने होते हैं। तो आपको 3 ऑलराउंडर ही सेलेक्ट करने हैं। ऑलराउंडर आप मिस मत कीजिए, आप बैट्समैन मिस कर लीजिए या बॉलर मिस कर लीजिए, लेकिन ऑलराउंडर सबसे जरूरी होते हैं। स्पेशली आप T20 में हैं, जैसे कि बिग बैश चल रही है, इसके बाद ISL चलेगा, ISL नहीं IPL और पाकिस्तान प्रीमियर लीग, तो ऐसे जितने भी मैच होते हैं सभी में आपको ऑलराउंडर मस्ट लेके चलने हैं। चाहे आप टेस्ट भी खेल रहे हो तो हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, उसको लेके चलना है। ठीक है, इस तरह से आपको ऑलराउंडर लेके चलने हैं। आपको ऑलराउंडर आपको एंड में जिताएंगे, ऑलराउंडर ही आप रखिए। इसके बाद है प्ले ओनली प्ले एबल क्रिकेट। इसका मतलब यह है कि आपको पहले स्टार्ट्स निकालने हैं, मतलब ये मालूम करना है कि जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पे ये मैच हो रहा है वो बैटिंग फ्रेंडली है या बॉलिंग फ्रेंडली। जस्ट इन केस एवरेज स्कोर है 155-160 टोटल 20 ओवर का, तो हम समझ सकते हैं कि बीच का है, लेकिन यदि एवरेज स्कोर है 140-135-139 ऐसा स्कोर है तो ये बॉलिंग फ्रेंडली है, यदि हाई स्कोरिंग मैच है तो बैटिंग फ्रेंडली होगा। अब जब जो मैच हाई स्कोर होते हैं, जो मैच बैटिंग फ्रेंडली होते हैं, वहाँ आपको ओपनर को लेके चलना होगा, क्योंकि वहाँ रन ज़्यादा होंगे तो वहाँ 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम 4 नंबर तक के बैट्समैन को लीजिए और ओपनर में से ही किसी को वाइस कैप्टन या कैप्टन बनाइए। और यदि कोई बॉलिंग मैच है तो वहाँ जो ओपनिंग में बॉलिंग करता है, जो डेथ में बॉलिंग डालता है उसको लीजिए, वो आपको ज़्यादा विकेट दे के देंगे। तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन कौन से ग्राउंड का एवरेज स्कोर कितना है, 10 ओवर का 20 ओवर का 6 ओवर का या 15 ओवर का, वो सब आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं इसी वीडियो में बताऊँगा। तो आप जस्ट फोकस करिए अपना।
इसके बाद शायद स्पेलिंग में मिस्टेक है कि मैच मेक कैप्टन पिच नो वन टेक। दरअसल क्या होता है कि इंडिया का कोई मैच हो रहा है किसी भी टीम के साथ, तो ज्यादातर लोग विराट कोहली को ही कैप्टन बनाते हैं। इंग्लैंड का हो रहा है तो जॉय रूट को कैप्टन बनाएंगे, ऑस्ट्रेलिया का हो रहा है तो स्मिथ को, न्यूजीलैंड का हो रहा है तो विलियमसन को। तो आपको मोस्ट इन द मैच मोस्ट मैचेस में तो विराट कोहली, विलियमसन, स्मिथ ये प्लेयर चलते हैं, आपको भी मालूम है ये प्लेयर चलते हैं। लेकिन आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। यदि आपको लगता है कि विराट कोहली जल्दी आउट हो जाएगा तो विराट कोहली को सिलेक्ट भी मत कीजिए। यदि आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपका जो कैप्टन है वो लोगों से अलग हटके होना चाहिए। क्योंकि जस्ट इन सपोज करिए इंडिया का मैच चल रहा है, आपने विराट कोहली को कैप्टन बनाया क्योंकि सभी लोग विराट कोहली को कैप्टन बनाएंगे, तो इस कंडीशन में यदि विराट कोहली रन भी मार जाता है तो भी आपके जीतने के चांस नहीं रहेंगे। लेकिन यदि आप कोई और प्लेयर लेते हैं जैसे शिखर धवन को कैप्टन बना दिया, तो शिखर धवन को ज्यादातर लोग कैप्टन नहीं बनाएंगे। तो यहाँ शिखर धवन यदि रन मार देता है तो आपके जीतने के चांस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको कैप्टन या वाइस कैप्टन, यदि आप कैप्टन पे रिस्क नहीं लेते तो वाइस कैप्टन एक रिस्क तो लेना ही होगा। यदि आपको ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग जीतनी है तो आपको एक रिस्क लेना होगा कि आपको अपना वाइस कैप्टन ऐसे को बनाना है जो मतलब किसी को उम्मीद ना हो कि वो चल जाएगा, जो आउट ऑफ फॉर्म पहुंच चल रहा हो, लेकिन आपको लगता है कि इस ग्राउंड पे इस बंदे का रिकॉर्ड अच्छा है लेकिन करंट में इसका फॉर्म अच्छा नहीं है, तो आप उसको लेके चलिए, उसको आप वाइस कैप्टन बनाइए। और इसके अलावा जैसे कि लिखा हुआ है डिवट प्लेयर, मतलब जो प्लेयर फर्स्ट मैच खेलते हैं उनके चांस काफी होते हैं। जैसे कि मैंने एक बार एक बॉलर था टैम कुरन नाम से बॉलर था इंग्लैंड का, उसको मैंने लिया था, काफी अच्छा चला था, काफी अच्छा परफॉर्म किया था। एक ऑस्ट्रेलियन था रेनबर्ट, तो इस तरह से काफी अच्छे बॉलर मिल जाएंगे। जैसे सादव खान था, सादव खान को शुरुआती मैच से लेता रहा हूँ। तो ऐसे आपको लगता है कोई कोई डिवट प्लेयर है उसके बारे में ज्यादातर लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो आप उसको लीजिए। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्लेयर इसमें खेलेगा, इसके चांस कैसे हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। 6 और 7 नंबर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। 6 और 7 नंबर पे जो दे रहा हूँ वो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। यदि आप मुझको ला के रख दो तो मैं उसी दिन ये चैनल बंद कर दूंगा। तो 6 नंबर है कि Bet365 की हेल्प लो। Bet365 क्या होता है कि एक जो क्या बोलते हैं बैटिंग साइट है, मतलब बैटिंग करने की वेबसाइट है, तो इस पे आपको जाना होता है, Bet365 पे जाना होता है। वहां जाके आपको प्ले परफॉर्मेंस चेक करनी होती है। यदि किसी बैट्समैन में प्ले परफॉर्मेंस अंडर 28.5 है, आपके समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। अभी आप थ्योरी पे समझिए कि यदि किसी प्लेयर की पावर परफॉर्मेंस या प्ले परफॉर्मेंस 28.5 दी है Bet365 ने, तो वहां उसका मतलब यह कि वो नहीं चलेगा। बैट्समैन है ये, बॉलर या विकेट कीपर के लिए नहीं दे रहा हूँ, जो प्योर बैट्समैन है उनके लिए, ठीक है। जैसे कि ब्रेंडन मैकुलम है वो प्योर बैट्समैन है, क्रिस लिन है बैट्समैन है, और एबी डिविलियर्स है बैट्समैन है, हासिम अमला बैट्समैन है, लेकिन डीकॉक पे लागू नहीं होता क्योंकि वो बैट्समैन है, विकेट कीपर है, तो वहां ऐसे प्लेयर नहीं आएंगे। जैसे यदि किसी प्लेयर की प्ले परफॉर्मेंस अंडर 28.5 है, तो इसका मतलब यह है कि वो नहीं चलेगा, वो आपको नहीं रखना अपनी टीम में, कैप्टन तो भूल के भी नहीं रहना। यदि किसी की प्ले परफॉर्मेंस 32.5 दी है या इससे ऊपर दी है, तो इसका मतलब है कि वो चलेगा, और हो सके तो आप उसको वाइस कैप्टन बनाइए। लेकिन अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे कि अभी आप देखिए bet365.com पे आना है, वहां से साइड से अपना क्रिकेट को सिलेक्ट करना है, अपना जो स्पोर्ट है क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट के बाद जो T20 बिग बैश लीग, मतलब जहां आप खेलने आ रहे हो उस मैच को सिलेक्ट करना है। उस मैच को जैसे सिलेक्ट करोगे काफी सारे ये मार्केट आ जाएंगे, जैसे बिन मैच, बिन द टॉस, टीम बन बैट्समैन। तो अभी इनसे हमें मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है प्लेयर परफॉर्मेंस से, प्लेयर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो प्लेयर परफॉर्मेंस पे क्या मतलब होता है कि कोई प्लेयर का परफॉर्मेंस कितना होगा। एक रन का एक परफॉर्मेंस होता है, एक विकेट का कुछ 10 के करीब परफॉर्मेंस होता है, और कैच का 5 परफॉर्मेंस होता है। तो यहाँ अब जो प्योर बैट्समैन है, जैसे कि डेनियल ह्यूज प्योर बैट्समैन है, जेसन रॉय प्योर बैट्समैन है, ये जो है कल के मैच के लिए है, मतलब बिग बैश का कोई मैच है, ओवर हैरिकेन वर्सेस सिडनी सिक्सर। तो यहाँ जॉर्ज बेली बैट्समैन है, टाइवर्ड मिल्स बॉलर है, तो इससे मतलब नहीं। डेनियल क्रिश्चन ऑलराउंडर है, तो इससे मतलब नहीं। सीन अबॉट ऑलराउंडर है, तो इससे मतलब नहीं। तो हमें शुरुआत के 3 से मतलब है। अब हम देख सकते हैं कि डेनियल हु 29.5 है, तो यहाँ ये हमारे रूल में अप्लाई नहीं होता। जैसन रॉय 29.5 है, ये भी अप्लाई नहीं होता। जॉर्ज बेली 25.5 है, यानी कि 26 है, तो ये हमारे रूल में अप्लाई होता है। ये 28.5 से नीचे है, तो अब हमें जॉर्ज बेली को ना तो अपनी टीम में लेना है, ना कैप्टन बनाना है, ना वाइस कैप्टन बनाना है। ऐसे प्लेयर को आपको एग्जिट कर देना, हटा देना, ठीक है। जिसके बाद यदि आप नए हैं, आपको नहीं पता कि जो है कि कौन सा प्लेयर ज्यादा अच्छा रहेगा, तो यहाँ Bet365 जो है भाप देता है। भाप मतलब DRC शॉट सबसे फेवरेट है कि ये सबसे ज्यादा रन मारेगा, इसके सबसे ज्यादा चांस, जो फर्स्ट पे लिखा है उसके सबसे ज्यादा चांस सेकंड पे है, मतलब ये भाप दिया है 5.2, यानी कि 5 में 2 से भाग दोगे तो 2.5 आएगा, तो ऐसे ये भाप दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से उनके उनके अकॉर्डिंग ये चांस है। जैसे नाथन रेडर है, खैर अभी है नहीं, लेकिन 13 सदस्य टीम में ये है, ठीक है।
तो आपको ये 13 सदस्यीय टीम भी यहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट अपने नंबर 7 पे चलते हैं। जस्ट इन केस यदि 32.5 है प्ले परफॉर्मेंस तो उसको आपको लेना है, और हो सके तो वाइस कैप्टन तो मिनिमम आपको उसको बनाइए, और बॉलर और एंड ऑलराउंडर पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। अभी मैंने एक वेबसाइट बता दी बैट 365, जिसकी हेल्प से आप काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते, काफी अच्छा। अब इसके बाद दूसरी वेबसाइट बता रहा हूँ जो बैट 365 से भी कई गुना अच्छी है, वो है expertfreechips.net। यहाँ आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, यानी कि प्लेइंग 11 किसके चांसेस ज्यादा है, तो आपको कहीं 8-10 चैनल पे जाने की जरूरत नहीं, एक ही पेज पे एक ही साइट पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ड्रीम 11 की प्रेडिक्शन, जस्ट इनके साथ वीक हो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ जाइए और वहाँ यहाँ से खेलिए, ठीक है। इसके बाद ग्राउंड स्टार्ट, मैंने कहा था नहीं बैटिंग फ्रेंडली है बॉलिंग फ्रेंडली है, ये आपको कैसे पता चलेगा, वो यहां से पता चल जाएगा। बाउंड्री छोटी है या बड़ी है वो आपको इस वेबसाइट से पता चल जाएगा, मैं दिखाऊंगा अभी। टॉप बैट्समैन भी आपको यहां से मिल जाएंगे, देखिए अभी मैं दिखाता हूं आपको, वेबसाइट पे जाके ही दिखाता हूं आपको, ठीक है। जैसे ये जाते हैं expertfreetips.net, आप गूगल पे लिख लीजिए expertfreetips.net, ठीक है, expertfreetips लिख दीजिए, या इसकी लिंक भी दी है तो आप कहीं से भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं याहू यूज करता हूँ, खैर आप गूगल यूज करते होगे तो आप जैसे लिखोगे तो ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको जिस मैच पे खेलना है उस मैच पे क्लिक कीजिए, सिडनी थंडर वर्सेस एडिलेड स्ट्राइक, जो आज मैच कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं, ये तो आपको इन्फॉर्मेशन काम की नहीं, ये प्लेइंग 11 है, देख लिया बटलर वगैरह जो भी है वो आपको खेलने वाले यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद ग्राउंड स्टार्ट, जो मैंने कहा था 176 का ग्राउंड स्टार्ट है, मतलब ये मीडियम है, बिग बैस में 176 मीडियम होता है, तो यहाँ इतना वो नहीं देखना, लेकिन 155 से नीचे होता, वहाँ 150 से नीचे होता है या 180 से ऊपर होता तो आपको पता चल जाता है कि ये मतलब बैटिंग फ्रेंडली है या बॉलिंग फ्रेंडली। इसके बाद ये जो है हाउ टू बैट है, इससे मतलब नहीं। टॉप रनर कॉलिन इंग्राम, कॉलिन इंग्राम आज का टॉप रनर रहा है, तो आपको इसी से मतलब है, इसको आप कैप्टन बनाते तो फायदे में रहता है। इसके अलावा कुछ और स्टार्स मिलेंगे, जैसे कि एडिल स्ट्राइकर सिडनी थंडर से लास्ट 2 में से 2 मैच जीत चुका है, ठीक है। और इसके अलावा जो इकोनॉमी बॉलर है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और जो बेस्ट इकोनॉमी जैसे राशिद खान 5.0 की इकोनॉमी, तो ये आपको लेना था, ये आपको लास्ट मैच का स्कोर कार्ड मिल जाएगा, जस्ट इन केस आपको जैसे मालूम कर सकते कौन सा प्लेयर लास्ट मैच में चला था, हेड चला था, कैरी चला था, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा। 3 विकेट अर्जुन नायर ने लिए थे, 2 विकेट मैकलेगन ने लिए थे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, क्या परफॉर्मेंस चल रहा है टीम का काफ़ी सारी। और ये ड्रीम 11 प्रेडिक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसके अलावा पॉइंट टेबल, किस टीम को जीतना जरूरी है किसको नहीं जीतना, मतलब बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाएगी। तो ये तो रही आज आपकी ड्रीम 11 की बात, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स, और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कमेंट कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, आपका मन नहीं है तो मत कीजिए। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो भी जरूरत नहीं है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, जस्ट इनकेस आपका मन कर रहा है तो करिए, नहीं कर रहा है तो मत करिए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जीतें, आप जीतते रहें। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक्स।